चलिए, ये मेरे दोनों रनिंग स्टिच रेडी हो गए हैं। अब इन दोनों में, दोनों रनिंग स्टिच ही है, दोनों में डिफरेंस ये है कि मैंने दोनों जो रनिंग स्टिच लिए हैं, इन दोनों इस वाली रनिंग स्टिच के बीच में जो भी गैप है, मैंने उस गैप में ये वाला रनिंग स्टिच लिया है। जहाँ जहाँ गैप आ रहा है वहाँ वहाँ मैंने वो रनिंग स्टिच लिया है, जैसे हम वी करते हैं। तो मेरा एक रनिंग स्टिच ये रहा, एक रनिंग स्टिच ये रहा। अब इन दोनों के बीच में जो ये गैप है, वो गैप, दूसरा रनिंग स्टिच, वो जो गैप है उस पर मैं लूँगी, राइट। अभी मैं यहां से इसको निकालूंगी, नॉट लगी हुई है, ओके। फिर पहले सामने वाले रनिंग स्टिच से निकालेंगे, देन मैं इसमें आ जाऊंगी। ओके, अभी मैं पास वाले से जाऊंगी और इसमें से क्रॉस निकालेंगे हम। ये निकाला हमने क्रॉस, ठीक है। फिर इधर से वापस क्रॉस निकालेंगे, लेफ्ट राइट चलना है और क्रॉस में हमको निकालते जाना है। फिर इसी में से हम क्रॉस निकालेंगे वापस, सॉरी, इसी में से नीचे वाले से क्रॉस निकालेंगे ऐसे। ओके, देन इसमें से निकालेंगे फिर से क्रॉस। खुल गया, निकाला। फिर हम क्रॉस निकालेंगे, वाह गिर गई। कुछ गिरे नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? रोज कुछ ना कुछ गिरना इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गई है हमारी रेडी, इसको बोलते हैं स्टेप्ड थ्रेड, समथिंग लाइक स्टेप थ्रेड। मैं यहाँ पे अभी लिख दूंगी कि किसको क्या बोलते हैं। तो ये रहा मेरा स्टेप थर्ड। ओके, तो ये जितने भी बेसिक स्टिच थे वो मेरे यहाँ पे अभी कंप्लीट हो रहे हैं। तो मैं अब इसको निकाल दूंगी यहाँ से और अभी हम चलेंगे चेन स्टिच पे। ये था बेसिक रनिंग स्टिच, अभी आएगा चेन स्टिच। ओके, चलिए अभी इतना कर लिया है मैंने। एक्चुअली मेरी क्या है, नीडल सही नहीं है, आ नहीं रही है आगे से, पॉइंट इसका अच्छा नहीं है। अदरवाइज मेरी स्पीड इसमें काफ़ी अच्छी है और मुझे मजा भी आता है। ओके, अब देखिए कि बाहर से ये पैटर्न इतना सुंदर लग रहा है ना, और पीछे से सिर्फ एक नॉर्मल स्टिच लगी है, एक रनिंग स्टिच लगी है, बट आगे कितना सुंदर पैटर्न बना है ना। ओके, तो अभी मेरी चेन स्टिच कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अभी मैं डबल चेन स्टिच कर रही हूँ, तो डबल चेन स्टिच में ऐसे ही लूप बनेगा, बट इंटर लूप नहीं बनेगा, एक दूसरे के अंदर से नहीं आएगा, अलग अलग बनेगा। मैं करूँगी तो आप समझ जाओ, लेट्स गो। मेरी सेकेंड लाइन, चलिए ये आ गई मैं। ओके, फर्स्ट लूप जैसे हमने पहले में अभी लिया है सेम वैसे ही लेंगे। ओके, मैं थोड़े बड़े ले रही हूँ ताकि अच्छे से दिखे, एकदम बारीक भी होता है। चलिए ये मेरा लूप, एक लूप बन गया सेम इसी तरीके से। अब मैं इसको इसके बाहर से जाके इसको लॉक कर रही हूँ। अरे कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ये क्या हुआ? हाँ नहीं नहीं सही है सही है, ये मैंने लॉक कर दिया इसको। फिर वापस हम यहीं इसके बीच में से निकलेंगे और यहीं से हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे डबल लूप के लिए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा डबल लूप, अब हम इसको भी यहाँ पे लॉक कर देंगे। ये हो गया लॉक। ओके, तो मेरा डबल लूप हो गया है, चेन स्टिच हो गया है। अब बारी आती है ट्रिपल लूप चेन स्टिच। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे दो चेन स्टिच बनानी है, दो चेन स्टिच के बीच में बनेगा तीसरा वाला लूप, ठीक है। तो मैं चेन स्टिच आपने ऑलरेडी देख लिया है ये वाला, तो मैं अभी चेन स्टिच आपको नहीं दिखा रही हूँ, मैं सीधा दो चेन स्टिच बनाने के बाद मिलती हूँ। ओके, तो मैंने ये दोनों चेन स्टिच बना दिए पास पास में, एक्चुअली मुझे और पास बना लेनी चाहिए थी। अब इसका जो सेंटर लूप होगा वो बहुत बड़ा होगा, नहीं यार। एनीवेज अभी मैं दिखा देती हूँ आपको, मैंने ये दूसरा वाला धागा रेडी किया है।
मैं एकदम इसके सेंटर में धागा ले रही हूँ। चलिए देखिए, ओके ये लिया मैंने, यस। अब ये वाला लूप और ये वाला लूप जो है उनके बीच में से मुझे ये निकालना है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये धागा हो गया है बड़ा, मतलब बीच में मैंने जगह बहुत ज़्यादा रख दी है। तो मैं इसके बराबर से ऐसे निकाल दूंगी जैसे अपन नॉर्मल लूप बनाते हैं, बस मुझे दोनों साइड से निकालना है। ओके अब ये हुआ, फिर से मैं नेक्स्ट वाले लूप में डालूंगी। ठीक है, अभी वापस यहीं से इसमें डालेंगे। ये हो गया सेकंड लूप, नॉट बैड, इसको कंप्लीट कर लेती हूँ मैं, अभी चलेगा। फिर मैं एक ट्राई और करूँगी, नेक्स्ट लूप देन नेक्स्ट लूप। अभी हम सेम यहाँ से वापस से ऐसे निकालेंगे। ओके ये हो गया, गया थर्ड लूप। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अभी मैं इसको कंप्लीट करके फिर बताती हूँ आपको, इस सेम प्रोसेस है, एंड तक जाएगा। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अभी और चलेगा, बट मेरा डे वन था एम्ब्रॉयडरी का, डे वन। तो अभी मैंने रनिंग स्टिच में कुछ ये वेरिएशन ट्राई किए, अभी मैं बताती हूँ आपको नाम क्या क्या। चलिए ओके, ये फर्स्ट वन है मेरी रनिंग स्टिच। ठीक है, सेकंड है विप्ड, विप्ड स्टिच। ठीक है, थर्ड जो है थ्रेडेड है, थ्रेडेड स्टिच बोलते हैं इसको, इंटरलेस बोलते हैं, इंटरलेस्ड स्टिच ये वाली। ओके ये वाली है जो है पैकिनीज, इसको बोलते हैं पैकिनीज स्टिच। ओके एंड ये है स्टेप्ड स्टिच। ये कुछ वेरिएशंस है हमारे रनिंग स्टिच के। ओके अभी आते हैं हम ये वाली स्टिच पे, ये बेसिक चेन स्टिच है। ओके अब दूसरी ये वाली डबल स्टिच है। ओके ये वाली ट्रिपल स्टिच है। इसके बाद हम करने वाले हैं, चेन स्टिच के अंदर ही आता है लेजी डेजी स्टिच, जो एक फ्लावर सा होता है। ओके वो मैं अभी थोड़ी देर बाद कंटिन्यू कर सकती हूँ मे बी, पहले मुझे भूख भी लगी है और चाय भी पीनी है और मुँह में पानी भी आने लग गया है। कंटिन्यू मे भी बालकनी में बैठे बैठे कर सकती हूँ, क्योंकि फ्लावर वाला वो मुझे आता है, आता नहीं है, देख के मेरे को लगता है मुझे आता है। जिस उसको देख के मेरे को लगता है कि मुझे आता है, वो तो आता है नहीं आता है वो जब करेंगे तो पता पड़ेगा। ओके एक चीज़ मैं बता दूँ, ये वाला जो पोर्शन है इट्स नॉट वेरी नीट एंड क्लीन, बिकॉज ये जो दो चेन स्टिच बनाई मैं वो प्रॉपर डिस्टेंस में होनी चाहिए। जैसे दोनों लाइन चेन स्टिच की, अगर ये चेन स्टिच इतनी है तो ये चेन स्टिच भी इतनी ही होनी चाहिए, ये इतनी है ये इतनी है, तो आपका जो बीच वाला आप चेन बनाएंगे वो आपका इवन नहीं बनेगा। सेकंड चीज़, ये बीच वाला गैप इतना छोड़ना ही नहीं है, जितना स्टिच इसमें लिया है इसमें जितना गया है उतना ही आपका सेंटर में, मतलब जैसा ये है इतना ही लाइन आपका सेंटर में छूटना चाहिए था, वो नहीं हुआ है, इसलिए ये बीच वाला कुछ ऐसा आ रहा है। बट अगर आप कुछ ऐसा पैटर्न बनाना चाहते हैं तो इट्स नॉट लुकिंग बैड, राइट, इट्स गुड, इट्स रियली गुड। बट एक्चुअली स्टिच वो वाली है जो मैं यहाँ पे कम गैप छोड़ती और इवन करती। सो या सो अभी चाय वाय बनाते हैं, कुछ खाते पीते हैं, देन लेट्स सी। अगर मैं ये कंटिन्यू आज नहीं कर पाई, कल करती हूँ, देन मैं व्लॉग एंड करने के लिए आ जाऊँगी। अगर मैं करती हूँ तो मैं करने के लिए आ जाऊँगी। सो या चाय बनाते हैं, चाय। तो मैं आ गई हूँ बाहर और मेरे, जैसे कि मैंने आपको बोला था, वैसे मैं बहुत आलस आ रहा था बट एनी वे मैंने बना लिया है। ये है मेरे पकौड़ाज, आलू एंड प्याज एंड हरी मिर्ची, और यहाँ पे है मेरी चाय। सो आई एम ऑल सेट, ये है मेरा कार्यक्रम यहाँ पे, ये तो मेरे कपड़े वपड़े हैं, एंड एंजॉय। ओके सो आई डोंट थिंक सो कि मैं आज ये कंटिन्यू करने वाली हूँ, बट मैं कंटिन्यू, क्या हाल हो गया मेरा पकौड़े बनाते बनाते। ओके आई डोंट नो, मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। सो मैं इस ब्लॉग का यही एंड कर रही हूँ, एंड उसी को हम कंटिन्यू करेंगे कल नेक्स्ट बैच में। ओके अगर मैंने रात को बनाया सो तो आई डोंट नो, बट आई विल शूट एंड पोस्ट इट। ओके बाकी मुझे नहीं पता। सो आज का ब्लॉग पकौड़े और चाय के साथ एंड करते हैं। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ बट सारा क्रिएशन। ओके टन टन।